हेलो फ्रेंड्स, जीएस रोशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेडिकल के बारे में। कुछ क्वेश्चंस डीबी से संबंधित भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर बात होगा मेडिकल के बारे में। कहाँ मेडिकल एक दिन में हो रहा है, कहाँ मेडिकल चार दिन में हो रहा है, इसी तमाम टॉपिक पर बात होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको उस क्वेश्चन से भी रूबरू कराएंगे जो कि बार बार वीडियो के कमेंट्स में आ रहे हैं, तो वो भी आप लोग के बीच लेकर हम आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो अच्छा से समझिए। यह बिल्कुल आपके काम का वीडियो है, चाहे आप किसी भी लेवल में, अगर लेवल 5 में क्वालिफाई हो अभी या आने वाले समय में लेवल 3 लेवल 2 में अगर क्वालिफाई होते हैं तो बिल्कुल यह आपके काम का वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। एक क्वेश्चन जो सबसे बार बार आ रहा है कि फॉर्मेट में बनवाना है या कोई भी, जैसे EWS सर्टिफिकेट बात किया जाए या OBC का बात किया जाए या कोई भी सर्टिफिकेट का बात किया जाए, तो वह फॉर्मेट में बनवाना है कि नहीं बनवाना है, यही सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। ये एक है, कोई ये भी कमेंट किए हैं कि अरे फॉर्मेट एक ही है ना, बिहार का और रेलवे का। तो भाई मेरे, सबसे पहले ये बताओ, आपको जॉब हो गया, आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन जो बनता है वो अपना अलग फॉर्मेट है और रेलवे का जो फॉर्मेट है वो अलग फॉर्मेट है, जो कि आपके एडमिट कार्ड में पूरा है, क्लियर है, जो आपको Annexure 3 Annexure 2 में लेके आना है। अगर वो भी नहीं समझ रहे हैं तो आप बोर्ड के वेबसाइट पर जाइए या नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, हर फॉर्म का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो एक नहीं है, दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। हाँ, कहीं कहीं बार बार ये हो रहा है, तो इनको हम क्या सजेशन दिए कि भाई पहले फॉर्मेट तो देख लो वेबसाइट से, ये फॉर्मेट देख नहीं रहे हैं, फिर ये पूछ रहे हैं क्या डिफरेंस है बताओ भाई। तो उसके लिए आप वेबसाइट पे चेक कीजिए और अपना जो आप बनवाए हैं OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट उसका भी देखिए। नहीं होता है तो RRB रांची या किसी भी RRB के जो फॉर्म डाउनलोड का सेक्शन है वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सभी, चाहे वो SC कैटेगरी का हो, OBC हो, EWS हो, सबका फॉर्मेट उपलब्ध है। तो आप लोग वहां से पहले देख लीजिए। अब फॉर्मेट बनवाना बिल्कुल जरूरी है। अगर एक चैट और हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं, एक कमेंट ये पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। RRB वही लड़का को ये सजेशन दे रहे, RRB पटना वाले Annexure 3 पर ही ले रहे हैं और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के SDO साइन नहीं कर रहे हैं फॉर्मेट पर, क्या करें, कोई उपाय है तो बताइए प्लीज, अर्जेंट है। तो जो आपका क्वेश्चन है आकृति जी कि SDO साइन नहीं कर रहे हैं, तो वो आप देखिए कहीं पे चैटिंग में वहां पे मेरा नंबर डाला हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको बना हुआ EWS सर्टिफिकेट जिसपे SDO सर का साइन है वो आपको हम भेज सकते हैं। वो आप अपने जो भी SDO आपके मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के जो साइन नहीं कर रहे हैं उनको आप दिखाकर उस मतलब साइन करवा सकते हैं, तो आपका जो प्रॉब्लम है उसका ये सोल्यूशन है। और राजा जी, आप ये देख सकते हैं RRB पटना वाले Annexure 3 पर ही ले रहे हैं, इसका मतलब है जब आपको फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो दो ही काम होगा, क्या तो आप दिन भर रिक्वेस्ट करते रह जाइएगा कि सर मेरा ले लीजिए। हाँ, वो ले सकते हैं, वो बिहार वाला, UP वाला, कहीं भी बिना फॉर्मेट वाला भी ले सकते हैं, हम ये नहीं कर रहे नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो गया तो उस टाइम आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा या 1 सप्ताह का टाइम मिलेगा, उसमें आप फिर बनवाना पड़ेगा आपको जल्दी जल्दी। तो अगर भाई मेरे, अगर आपके पास टाइम है तो अभी आप बनवा लो ना, फॉर्मेट में बनवा लो, प्रॉब्लम क्या है उसमें, सब कुछ बना हुआ है तो एक बार बनवा लो। मेरा बस ये सजेशन है सभी दोस्तों से जो वीडियो देख रहे हैं कि आप लोग के पास अगर टाइम है तो आप लोग फॉर्मेट में बनवाइए, वो आपके लिए अच्छा होगा। बनवाने न बनवाने का डिसीजन आपका होगा, लेकिन यूट्यूबर या कोई वीडियो जो बना रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपको बस सजेशन दे सके, करना न करना आपके हाथ में है। आगे एक और चैट का बात करते हैं। एक ये कोई साथी है, इनका क्वेश्चन देखिए, इनका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इनका है कि सर मेरा RRB NTPC का लेवल 5 का DV है, ठीक, बट मेरा डिग्री का रिजल्ट फॉर्म फिल किया था उससे 1 मंथ बाद आया था, प्लीज कोई दिक्कत हो सकती है क्या सर, प्लीज रिप्लाई। देखिए दिक्कत आपका क्या है इसमें नोटिफिकेशन में कि 1/2019 का बात हो रहा है, तब तक आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। सर्टिफिकेट आप 2019 में जब नोटिफिकेशन आया उस टाइम के उसके डेट तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो हो सकता है DV में आप बाहर हो जाए, क्योंकि DV में जो 2-3 चीज बहुत गौर करके देखा जाता है। इससे पहले भी हम रेलवे का 2 बार वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, तो वहाँ है कि आपका सर्टिफिकेट का नंबर बहुत अच्छा से देखा जाता है और आपका पासिंग जो आपका डेट रहता है वो भी अच्छा से देखा जाता है। मेन वही देखा जाता है कि आप कहीं फॉर्म भरने के बाद तो नहीं कंप्लीट किए हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें कि आपको DV में
प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसमें आप एफिडेविट भी क्या करवाइएगा, आप क्या वकील को क्या बता सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है। फिर भी आप वकील से मिलिए, कहीं कोई सोल्यूशन मिल जाए तो अच्छा है। आप कुछ बनवा अगर ले जा सकते हैं, एफिडेविट बन सकता है, तो आप एक बार वकील से मिलकर बनवा लीजिए, क्योंकि ये जो आपका प्रॉब्लम है ना, एक मंथ बाद ये वही चीज़ तो वो मिलाने के लिए बैठे रहते हैं। तो चलिए और आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट पर बनवाए या नहीं, क्या करें। तो देखिए, ये बनवाने न बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आगे आपको झेलना है। लेकिन अगर आप नॉर्मली वेरिफिकेशन चाहते हैं जो अच्छे से हो जाए, वहाँ कोई भी कहीं भी डीबी हो रहा है, तो 99% वो लोग यही चाह रहे हैं कि मतलब किसी कारण बस आप छटे नहीं। तो फॉर्मेट में बनवाने न बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप फॉर्मेट में बनवा लीजिए, बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर दो है, दो नंबर क्वेश्चन में है कि धनबाद में मेडिकल कैसा चल रहा है। तो देखिए, धनबाद में जो मेडिकल चल रहा है वो एकदम सबसे अच्छा, जो कहीं भी मेडिकल चल रहा है तो सबसे अच्छा मेडिकल आपका धनबाद में चल रहा है। क्यों अच्छा चल रहा है? क्योंकि वहाँ कोई भी टेस्ट बाहर नहीं कराना, सबसे बड़ी बात है कोई टेस्ट बाहर नहीं हो रहा है धनबाद में। और एक दिन, जैसे आज आपका डीबी हुआ, कल आपका मेडिकल फाइनल, आप शाम तक फ्री हैं। लास्ट में आपको बोलेंगे कि आप जाओ जल्दी, पहली फुर्सत में निकलो, तुम मेडिकल फिट हो, ये बोल के आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए पूरा समझिए, धनबाद जिसको भी मेडिकल हो रहा है वो सबसे बेस्ट हो रहा है, सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। दो कारण से, क्यों? आपका पैसा नहीं लगेगा। पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, इस पर भी बताते हैं। तो सबसे पहली बात, धनबाद में आपको पैसा नहीं लग रहा है। दूसरा नंबर, आपका खर्च कम होगा, क्योंकि आपका एक दिन में मेडिकल खत्म। तो सबसे बेस्ट जो मेडिकल चल रहा है धनबाद में चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनबाद में मेडिकल में कितना पैसा लग रहा है। तो देखिए, धनबाद में मेडिकल में 0 रुपया लग रहा है। क्यों? क्योंकि सीधा सिंपल ये है कि यहाँ कोई भी टेस्ट बाहर में नहीं हो रहा है, कुछ भी बाहर नहीं हो रहा। धनबाद में सबसे अच्छा मेडिकल हो रहा है धनबाद में, 1 रुपया नहीं एक्स्ट्रा लग रहा है, सिर्फ 24 रुपया आपका जो चार्ज है वो अपना लगा, बात खत्म, 1 रुपया आपको नहीं लग रहा। तो पैसा कहाँ लग रहा है, अभी क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि पैसा कहाँ लग रहा है, तो इसके बारे में बताते हैं। ये आप लोग सुने हुईगा कि बंडा मुंडा में जिनका भी मेडिकल हो रहा है, मान के चलिए आपका 1000 रुपया आपका कम से कम खर्चा होगा सिर्फ मेडिकल के नाम पे। क्यों? तो वहाँ आपका एक्सरे बाहर में हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, उसमें आपका पैसा लग रहा है 750 के करीब में, और 170 रुपया और एक टेस्ट हो रहा है बाहर में। तो मान के चलिए आपका 1000 रुपया आपको सिर्फ मेडिकल के नाम पे, रहना खाना तो वो तो अपना आपका मैटर है, लेकिन मेडिकल के नाम पे आपको 1000 रुपया लग रहा है। बोंडा मुंडा का हमको पूरा जानकारी मिल चुका है, और धनबाद का बात रहा टाटा का, तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो टाटा हटिया, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो बोंडा मुंडा में अगर आपका मेडिकल आ रहा है तो आप 1000 रुपया आपको मेडिकल में लगेगा। अब बंडा मुंडा में किसको मेडिकल मिल रहा है ये भी आप पूछ लीजिए। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप अगर रांची बोर्ड से हैं, तो अगर आपका सीरियल नंबर अगर 1 से लेकर 10 तक, सीरियल नंबर अगर 1 से 10 में अगर आपका है, तो आप बंडा मुंडा में मेडिकल कराने के लिए रेडी रहिए। आपका मेडिकल बंडा मुंडा में ही होगा, और वहाँ आपको 1000 रुपया एक्स्ट्रा में लगेगा, जो कि आपको जांच कराना है। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि बंडा मुंडा में कितना दिन में मेडिकल हो रहा है। जैसे आज आपका डीबी हुआ, कल आप दूसरा दिन आप हॉस्पिटल पहुंचे, और उसके बाद उस दिन नहीं होगा कंप्लीट, आपका तीसरा दिन जाकर कंप्लीट होगा। मतलब एक दिन डीबी या 2 दिन मेडिकल, नॉर्मल डेज है तो संडे सैटरडे छोड़ दीजिएगा, 2 दिन मेडिकल में लगेगा बोंडा मुंडा में। धनबाद में बस 1 दिन, बोंडा मुंडा में 2 दिन, पैसा भी लगेगा और 2 दिन लगेगा टाइम। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और था जो बार बार दिमाग में आ रहा था। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए कि कितना सीरियल नंबर का मेडिकल कहाँ मिल रहा है, अगर आप रांची बोर्ड से अगर हो तो वहाँ देखिए 1 से 10 जो है बोंडा मुंडा, 1 से 10 बोंडा मुंडा, 11 से 30 धनबाद। धनबाद मेडिकल क्यों ज़्यादा हो रहा है 20 स्टूडेंट को, क्योंकि वहाँ एक दिन में मेडिकल हो रहा है और जल्दी जल्दी हो रहा है, इसलिए 11 से 30 को धनबाद में मिल रहा है। यहाँ तेज होने का कारण है कि जैसे 10 लड़का अगर ECG करवा रहा है तो 10 लड़का का एक्सरे करवाएगा, सब वहाँ अंदर में ही हो रहा है, कुछ बाहर नहीं करवाना है, इसीलिए वहाँ एक दिन में मेडिकल हो रहा है। तो 1 से 10 आपका हो गया बंडा मुंडा, 11 से 30 हो गया आपका धनबाद में, और 31 से 40 जा रहा है टाटा। 31 से 40 में जिसका भी सीरियल नंबर है, जिस भी साथी का, वो टाटा आपका मेडिकल होगा। और 41 से 50 जो कि सबसे लास्ट में है, लास्ट मतलब पास में, मतलब कि आपका रांची में डीबी, चुटिया में आपका डीबी होगा और हटिया में आपका मेडिकल होगा। तो यही सब क्वेश्चन बार बार है, बंडा मुंडा का आप समझ गए, नॉर्मली हो रहा है सबसे। और एक बात, बार बार क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, रहता है क्या पूरा कपड़ा खुल रहा है कहीं, तो नहीं, कहीं भी पूरा कपड़ा नहीं खुल रहा है। कहीं अगर खुल भी रहा है
तो मात्र 5 सेकंड के अंदर आपको आपका काम हो जाएगा, आपको फिर नॉर्मली बोल दिया जाएगा कि आप हो, आप फिर अपना रेडी हो जाइए जाइए। तो 5 सेकंड के लिए खुलेगा तो 5 सेकंड, और नहीं तो नहीं भी खुल सकता है। तो यही है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो जो आपके दिमाग में हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको हम जरूर, जितना हमको जानकारी मिलता है पर डे, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।